तो जानिए अपना रोज का राशिफल। हम जल्द लेकर के आ रहे हैं एक नया चैनल वायरल एस्ट्रोलॉजी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म कलंक के चर्चे इन दिनों जोरों शोरों से हैं। मल्टी स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज किया गया है तभी से दर्शक बेताब हो रहे हैं कलंक को सिनेमा घरों में देखने के लिए। वहीं अब इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान इस फिल्म की स्टार कास्ट को अक्सर ही एक दूसरे के साथ देखा जा रहा है, जहां इनकी केमिस्ट्री भी नजर आती है। लेकिन हाल ही में इन स्टार्स की जो केमिस्ट्री सामने आई है उसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया गया है। दरअसल एक बार फिर से ये सभी स्टार्स फिल्म कलंक के प्रमोशन में पहुंचे, जहां इनका एक अलग ड्रेस कोड देखा गया। यानी जहां पूरी स्टार कास्ट रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस में नजर आई, तो वहीं साथ ही साथ इनकी एक और केमिस्ट्री यहां पर देखने को मिली है। यहां पर वरुण धवन ने आलिया को गोद में उठाकर डांस किया, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य रॉय कपूर ने भी सोनाक्षी सिन्हा को गोद में उठाकर खूब डांस किया है। इनके इस अंदाज को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में देखा जा रहा है, तो साथ ही साथ दर्शकों ने भी इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा सराहा है। वेल, अगर देखा जाए तो फिल्म में लव ट्रायंगल की कहानी दिखाई गई है, जहां एक तरफ वरुण और आलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आलिया भट्ट शादीशुदा आदित्य रॉय कपूर से शादी रचा रही हैं। अब फिल्म में सस्पेंस कुछ ऐसा है कि आखिरकार वो कौन सा कारण है जिसके चलते वरुण धवन से प्यार करते हुए भी आलिया को आदित्य से शादी करनी पड़ रही है, जो पहले से शादीशुदा है। इसी खबरों के चलते ये फिल्म इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन अब फैंस को ज्यादा लंबा इंतजार करने की नहीं है जरूरत, क्योंकि जल्द ही आने वाले 17 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है।